नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी योद्धा में। पिछले क्लास में हम लोगों ने LCM HCF पढ़ा था, आज उसी के आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में HCF LCM कहां तक पढ़ा था वो याद होगा, तो बस ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। और अभी जो आने वाला है SSC GD रेलवे ग्रुप डी झारखंड SSC के लिए कारगर होने वाला ये बैच बहुत ही कारगर होने वाला है, तो बस मन लगा के पढ़िए। और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछला क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी LCM या HCF को तीन तरीके से निकालना। पहला कि डिवीजन मेथड से, मान लीजिए कोई 4, 14 और 28 है, ठीक है, इसका LCM निकालना। तो ये भी तो बचपन में सीख लिया था। फिर हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से कि 4 का प्राइम फैक्टर 2 × 2, ठीक है ना, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या 2 × 7, फिर 28 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है, ठीक है, और 28 का कितना 2 का स्क्वायर × 7, ये था। और उसमें तीसरा हम लोग पढ़े थे क्या, तीसरा पढ़े थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इस तरह का करके कि मतलब 4 का मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है, फिर 14 का मल्टीपल लिखेंगे, 4 का मल्टीपल क्या 8, उसके बाद क्या 4 8 12 16 ऐसे करके प्राइम फैक्टराइज आपका मल्टीपल लिख करके LCM निकालने के लिए मल्टीपल लिखते थे, और HCF निकालने के लिए क्या 4 का फैक्टर क्या 1 2 4 इस तरह से, और 14 का क्या लिखते हैं बताइए 1 2 7 और 14, ठीक है, और मान लीजिए 28 है तो 28 का क्या 1 2 7 14 28, ठीक है, यही ना। अब इसमें से HCF निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि पहले कॉमन को चुन लीजिए। जैसे देखिए हमने पहले फैक्टर को लिख दिया, पहला स्टेप पीछे से चलते थे, फैक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद क्या कॉमन चुनेंगे। कॉमन कौन कौन है देखिए, तो 1 सब में है 2 सब में है, है ना, और 4 सब में है नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, तो बस यही 2 को कॉमन हुआ। कॉमन हमारा कौन हुआ 1 और 2, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट होगा, हमने फैक्टर चुन दिया, फिर उसके बाद कॉमन चुन दिया, कॉमन चुनने के बाद क्या चुनेंगे हाईएस्ट चुनेंगे, तो 1 और 2 में कौन हाईएस्ट है, तो ये 2 हाईएस्ट है, तो 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से LCM में बोला पहले मल्टीपल लिखेंगे, तो मल्टीपल क्या 4 8 12 इस तरह से, और 14 का क्या 14 28 42 इस तरह से। देखिए अब 28 में क्या 28 56 इस तरह से। अब इधर देखिए कहीं ना कहीं यहां पर 28 आएगा, कहीं ना कहीं यहां पर 56 आएगा, इस तरह से आएगा ना, 4 के टेबल में मल्टीपल अगर लिखना है तो 4 के मल्टीपल में 28 कहीं कहीं आएगा ना, कहीं 56 आएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 14 का टेबल में भी 4 बार में 56 आ जाता है, ठीक है। तो हमने पहले मल्टीपल लिख दिया, उसके बाद हमने क्या बोला है कि दूसरा स्टेप कॉमन चुनेंगे, तो कॉमन चुनेंगे, कॉमन कौन कौन हो गया देखिए, तो 28 28 और 28, फिर यहाँ क्या 56 56 और 56, इसी तरह से 28 का जितना मल्टीपल होगा सब इसमें क्या होगा कॉमन होगा, ठीक है, ये तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें बोल रहा है लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट चुनना है, तो लोवेस्ट कौन है 28 56 या इसके आगे जो भी मल्टीपल होगा उसमें सबसे कॉमन कौन होगा, लोवेस्ट कौन होगा, सबसे कॉमन लोवेस्ट कौन होगा 28 होगा, तो 28 आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या बोला था कि HCF पहले लिखते हैं, तो HCF लिख दिए, तो HCF के लिए हमने क्या बोला कि जो कॉमन रहेगा 2 यहां पर भी कॉमन है 2 यहां पर भी कॉमन है, तो 2 ही हमारा HCF हो जाएगा, और यहां पर भी 1 ही 2 कॉमन है, 2 कॉमन 2 नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 ठो 2 रहेगा तब ना, तो HCF हमारा 2 हो गया। LCM क्या होगा, तो LCM देखिए जो नंबर लिखा रहता है वो नंबर को पहले लिखते हैं, तीनों संख्या में प्रयोग किया गया प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो संख्या किया गया है उसको पहले लिख दिए, ठीक है, और उसमें हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, इसमें 2 के पावर 2, इसमें 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 2 जो प्रयोग यहां पर है वो ही हमारा हाईएस्ट पावर है, और 7 का पावर 1 यहां पर तो कुछ नहीं है 7 का पावर, तो 7 के पावर 1 तो रहने देंगे, तो हमारा LCM कितना हो गया 28 आंसर हो गया। ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये तो बचपन में सीख लिए होंगे, नहीं दूसरे टेबल देते हैं ऐसे, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 1 2 7 2 2 2, तो देखिए 2 2 4 4, हाँ और लगेगा देखिए यहां गलती हम कर दी, यहाँ 14 होगा ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 14 होगा, 2 और 2 जब
और 2 14 जा, ठीक है। फिर से 2 1 2 7 का 7 और 7 2 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे, फिर 7 से लगाएंगे तो 1 1 और 1, ठीक है। तो 1 1 1 यानी कि यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, यानी कि क्या 2 × 7 है ना, 2 का स्क्वायर × 7 यानी कि 28। ये तो सीख लिए हैं बचपन में। चलिए हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है तरीका, अब इससे भी शॉर्टकट हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। इसके भी शॉर्टकट, ही तो हमारा बेसिक था क्लास, इसलिए सिखाना जरूरी था। अब चलिए बेसिक में, जैसे एक चीज और देख लीजिए, नंबर कोई है, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, 2 के पावर 5 × 7 के पावर 2 × 5 ऐसा है, ठीक है, 5 ऐसा है। अब कोई दूसरा नंबर है, मान लिया जाए n1 है, n2 है। अब इन दोनों का अगर बोले 2 के पावर 3 7 के पावर 2 × 5 है ना, का पावर 2 × 3, इन दोनों का बोले कि एलसीएम निकालिए, तब क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन करके खुद दिया हुआ है कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है ना जी, क्या करेंगे कि देखिए पहले जो कॉमन है उसको चुनेंगे, इसमें देखिए 2 के पावर कितना कॉमन है, 5, इसमें कितना 3, तो 3 ही कॉमन होगा, 2 के पावर 3 इसमें भी और इसमें भी 2 के पावर 3 कॉमन है, यानी कि 2 के पावर 3 तो हो गया। चलिए अब देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 नहीं लिखेंगे, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए ना। अब देखिए 5 के पावर 2 यहाँ पर है, 5 के पावर 1, तो माने 5 के पावर 1 ही ना कॉमन है दोनों में, तो 5 के पावर 1 लिख दिए। अब क्या कर रहा है, 7 के पावर 2 7 के पावर 2 यानी कि 7 के पावर 2 हमारा ये लिख दिए, यही हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की अगर बात करेगा, तो एलसीएम की बात अगर करेगा, जो जो नंबर लिखा हुआ है, जो जो नंबर प्रयोग हुआ है दोनों में, उसको पहले जैसे है वैसे लिखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। 2 3 5 7 इसके अलावा कोई नंबर नहीं। अब पावर बैठाइए, किसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन है, देखिए तो 2 के पावर 5 है, फिर 3 के पावर क्या 1 तो रहने देते हैं, 5 के पावर हाईएस्ट कितना है हमारा यहाँ पर प्रयोग, तो 2 है, और 7 के पावर कितना है, तो 2 है, यही हमारा एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। अगर कोई मान लिया जाए इसी में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि 4 14 और मान लिया जाए 6, इन तीनों का एलसीएम बताइए या और एचसीएफ बताइए, तो ये कॉपी कलम का प्रयोग करने वाला मैथ नहीं है, कॉपी कलम का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर, आपको दिमाग बनाना होगा तभी रिजल्ट होगा, रिजल्ट बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास समय का भी तो अभाव रहता है ना जी। देखिए अब देखिए 6 4 का एलसीएम कितना होता है, इतना तो पता है, जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए 2 और 6 2 6 का एलसीएम क्या होगा बोलिए, तो सिर्फ बड़ा वाला को देखेंगे, अगर एक ही टेबल में होगा, दो नंबर ऐसा मिले आपको जो एक ही टेबल में हो, एक ही टेबल में हो, तो बड़ा नंबर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 4 और 27 का बोले एलसीएम, तो 27 आंसर हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बोले आपको 4 और 28 का एलसीएम, तो कुछ नहीं सोचना है, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ही टेबल में अगर हो तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। देखिए ये एलसीएम हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए जैसे एक ही का मल्टीपल हो, मतलब ठीक है ना, तो जैसे देखिए एक को छोड़ करके यहां पर कंसेप्ट एक का नहीं, जैसे अगर कोई बोल देगा चलिए इस तरह से 1 2 और 7 इन दोनों में, चलिए 1 2 और 6 कर दीजिए, हाँ तो इसमें एक का भी होगा, देखिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, नहीं 6 एलसीएम होगा ना जी, 1 2 और 6 का एलसीएम कितना, 6, एक ही टेबल में है, मल्टीपल में है, ठीक है ना, सेम मल्टीपल में है, और एक हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये सब कॉमन बातें हैं, ये सब आप लोगों को जानना होगा, ये सब विदाउट अनुभव विदाउट प्रैक्टिस नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब चलिए देखिए इसी तरह से एक और देखते हैं, मान लिया कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लिया कोई नंबर दे दिया 7 और 35, तो 35 और 7 में एलसीएम अगर कोई कहेगा तो 35 हमारा एलसीएम हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में है, एक ही मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है, नहीं समझ रहे ना बात को। तो अगर गुणक रहे, मल्टीपल रहे, अंग्रेजी में मल्टीपल, हिंदी में गुणक, उसी तरह से मान लीजिए रहे कि 8 48 का एलसीएम बताइए,
तो 48 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 48 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8 हो जाएगा। तो इतना कॉमन तो कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैथ बनाने के क्रम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। आपको प्रयोग तो समय बचेगा, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। आप भी कहिए कि का मास्टर वहां हमारा पका रहा है, तो ऐसा मत समझिएगा कभी। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई रहे 9, 18 और मान लीजिए 36, 9, 18 और 36 में कौन होगा हमारा क्या एलसीएम। तो देखिए 9 का मल्टीपल 18, 18 का मल्टीपल 36, तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ की अगर बात करेगा तो छोटा वाला नंबर को पकड़ लीजिए ना, छोटा वाला नंबर को पकड़ लेंगे, हमारा एलसीएफ हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 9, 3 मान लीजिए 3 और 6 और फिर मान लेते हैं 27, ठीक है। 3 का मल्टीपल 6 है, 6 का मल्टीपल 27 नहीं है, मल्टीपल नहीं है 6 का, है ना, 6 का मल्टीपल नहीं है 27, तो ये 27 यहां पर आंसर नहीं कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल होगा एक दूसरे के, तब ये कंडीशन लगाना है। बात समझ रहे हैं ना, अगर समझ रहे हैं तो बताइएगा, एकदम जरूर से जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है आप लोग के बीच आने में, है ना। चलिए देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 3, 6 और 27 इसमें कौन सा हमारा एलसीएम होगा देखना है। तो देखिए 3, 6 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो 6 यहां पर तो आ गए, तोड़ तोड़ के बना दीजिए ना। अब 6 और 27 का बनाना है, 6 और 27 का, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और 27 को क्या, 3 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3 का पावर 3। 6 के लिए 6 और 27 के लिए देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 3। अब एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर को लिखते जाइए, हो गया 2 और 3 के पावर 3, यानी 27 × 54, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जब क्या करेंगे, देखिए जब दो बड़े संख्या हो, 6 और 27 को देखना है, इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 27 का 27, 27 × 54, ठीक है। और चेक करेंगे 6 से तो 27 नहीं कट रहा था, लेकिन 54 कट रहा है, यानी कि 54 ही मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई रहे 9, 18 और मान लिया जाए एक और लिख देते हैं 27, 9, 18 और 27। तो 9, 18 का तो 18 हम जानते हैं, ठीक है, 9, 18 का एलसीएम तो 18 होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि 18 और 27 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं ना है, तो मल्टीपल नहीं है, तो 27 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करें, 27 × 54, 18 से कट रहा है, यानी कि हाँ कट रहा है, तो हमारा 54 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत फास्ट सिखाएंगे आपको ये सब, प्रयोग होगा ना जिस समय, तो बहुत आपका सेकंड सेकंड बचेगा, और सेकंड सेकंड बच करके ही आप हीरो बन जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई कहे 4, 24 और 30, ठीक है, इसका एलसीएम बताइए, तो 4, 24 का तो हम लोग जानते हैं कि 24 हो गया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए अब 24 और 27 में कॉमन करेंगे, 24 और 27 में कॉमन करेंगे, तो सॉरी 24 और 30 में, तो 30 का टेबल पढ़िए, 30 × 60, 30 × 3 = 90, देखिए ना 60 कट रहा है 24 से, और ना 90 कट रहा है, और 30 × 20 से है ना 120, और 24 से भी कट जा रहा है, यानी कि 120 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, किसका, इन तीनों का कहिए एलसीएम कौन हो जाएगा, 120। कितना देर लगा बताइए। और जब एलसीएम निकालने की बात आए तो बड़ा का टेबल पढ़ते जाइए और चेक करते जाइए कि उसके बगल वाले नंबर से जो नंबर दिया गया है उसके टेबल में वो आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सरल चीज है, प्रैक्टिस करिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा भाई, ये कहीं भी एग्जाम में आपको नहीं आने वाला है, और ना ही कहीं बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ट्रिक मिलेगा, ये कब होगा, विदाउट एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है, मैं आपको बतला रहा हूं। जैसे देखिए 9, 18 और मान लिया जाए 45, ठीक है। अब देखिए 9, 18 का 18 तो हम लोग जानते हैं एलसीएम, ठीक है, 9, 18 का 18, लेकिन 18 और 45 का नहीं ना जानते हैं, मल्टीपल भी नहीं है, तो 45 का टेबल हम लोग पढ़ने, 45 × 90, 45 तो 18 से नहीं कटता था, लेकिन 90 कट रहा है, 90 कट रहा है, यानी कि 90 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए, अगर एचसीएफ की बात करें, इसी में एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ भी बताते हैं बहुत आसानी तरीके से, देखिए बहुत आसान तरीके से एचसीएफ 9, 18 और 45, देखिए तो एचसीएफ तो छोटा नंबर होगा, है ना,
वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है, फैक्टर में होता है। देखिए इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर लिखेंगे तो इससे छोटा ही आने वाला है ना। एक नंबर छोड़कर इस नौ को लिखना है था, एक तीन नौ, अठारह को लिखना है था क्या, एक दो तीन, फिर छ और नौ, ये हो गया। और पैतालीस का फैक्टर अगर लिखना है तो एक तीन पांच, इस तरह से, ठीक है। पांच के बाद नौ, फिर उसके बाद क्या पंद्रह, फिर उसके बाद पैतालीस, इतना सारा। अब इसमें कॉमन पूछी तो आप नहीं अब करना है, आपको बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं, इस चीज को समझाने के लिए लिखे, इतना समय भी नहीं लगेगा आपको। देखिए तो हम आपको एचसीएलसीएम निकालना तो बता दिए, अब एचसीएफ की बात आए, तो एचसीएफ जैसे ही बात आए तो क्या करना है कि देखिए छोटा वाला नंबर को देखेंगे, पकड़ेंगे, और छोटा वाला नंबर को पकड़ेंगे जो तीनों में जो छोटा है ना उसको पकड़ेंगे, और चेक करेंगे कि उसका मल्टीपल है कि नहीं। देखिए 9 से 18 कट जा रहा है, सही है, मतलब 18 में 9 मौजूद है, ठीक है। 9 से 45 कट जा रहा है, यानी कि 9 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इस तरह से मान लीजिए 6, 12 और 18, 6, 12 और 18 का एचसीएफ, इतना भी सोचना नहीं है क्योंकि 6 का 12 टेबल में है, अब 12 का टेबल में 18 तो नहीं है, मल्टीपल मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये एलसीएम निकालने के लिए 18 दूनी 36, अभी 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 6 को चुनेंगे, सबसे छोटा वाला को पकड़ेंगे, सबसे छोटा वाला को पकड़ेंगे और चेक करेंगे, सबसे छोटा वाला को पकड़ लिए, अब चेक करेंगे कि ये 6 दूनी 12 कट जा रहा है, 6 तरीका 18 कट जा रहा है, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ है, सही है जी, ठीक है। अगर नहीं कटने वाला रहता तब चेक करते, जैसे यहां पर देखते हैं 27, 9, 12, 6, 12, 27 का एचसीएफ। तो देखिए अब इसमें 6 को चुने तो 6 से 12 तो कट जा रहा है, मतलब 12 में एक तो 6 तो छुपा हुआ है, लेकिन 27 में नहीं छुपा हुआ है, 27 में ये नहीं छुपा हुआ, नहीं छुपा हुआ है, तो इसको अब तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, 3 × 2 तोड़ दिए, अब देखेंगे कि 2 में से तो 12 छुपा हुआ है, अब 3 भी छुपा हुआ है इसमें, 3 इसमें भी छुपा हुआ है, 3 इसमें भी छुपा हुआ है, तो 3 तो देखिए 3 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो देखिए 2 और 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो बड़ा कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तो बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, 3 है, हाईएस्ट कौन है, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट चुनना है ना, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो हमारा 3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये दिमाग से बनाना होगा। अब चलिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए और उसके बाद हम आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आज कुछ पढ़ाए होंगे तो बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए देखिए एक नंबर देख लीजिए, जैसे कोई बेस सेम हो, एक नोट लिख लीजिए कि अगर बेस सेम हो तो, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, ठीक है, 5 के पावर 5 है ना, तो 5 के पावर 5 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 में हमको एलसीएम पूछ दे, एलसीएम पूछ दे और एचसीएफ पूछ दे, तो कुछ नहीं, जब बेस सेम हो, सेम बेस हो, ठीक है, सेम बेस अगर हो तो छोटा वाला पावर बेस, देखिए 5 यहां पर भी 5, 5, 5 सब जगह बेस सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, बड़ा वाला पावर, बड़ा वाला पावर हमारा एलसीएम हो जाएगा और छोटा वाला पावर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये दम ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पर मान लीजिए ऐसा रहता, चलिए इसके जगह पर एक और लिख देते हैं, जैसे देखिए 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 6, 3 के पावर 9, तो 3 के पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा। अब इसमें अगर एलसीएम पूछे, एलसीएम पूछे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे 3 के पावर 9, और एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ पूछेंगे तो 3 के पावर 2 हमारा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और तरीका देख लीजिए, बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि अगर भिन्न का एलसीएम एचसीएफ बोले, कि मतलब फ्रैक्शन का 2/3, 3/4, 5/6 और 6/9 का एलसीएम या एचसीएफ निकालना का है, ठीक है, ऐसा
चलिए 6/7 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अगर कहे तो कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखेगा कि भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या होगा, अगर कहेगा तो लिखेंगे अंश, ऊपर में अंश होता है ना, अंशों का एचसीएफ और बटा में अंशों का, सॉरी अंश नहीं, नीचे में हर होता है ना, तो हरों का एलसीएम। मतलब इसका अगर एचसीएफ हमको निकालना है तो पहले हम 2, 3, 5 और 6 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ हमको दिख रहा है क्या होगा, 1 होगा, नहीं एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, नहीं एचसीएफ 1 होगा ऊपर वाले। अब एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। फ्रैक्शन में भले आपको पूछ रहा है कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन फ्रैक्शन वाले जो भी टर्म होंगे उसमें अंशों का एचसीएफ, एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाले का उसका उल्टा काम, एलसीएम निकाल देंगे। उसी तरह से अगर कोई बोल दे कि भिन्न का एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या होगा, अंशों का एलसीएम, जो कहा वो लिख देंगे, किसका, अंशों का, अंशों का एलसीएम हो जाएगा बटा हरों का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा काम, हरों का एचसीएफ। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। अब देखिए ऑप्शन में आपको रहेगा कि इतना का बनाइए एचसीएफ, एचसीएफ बनाइए, तो एचसीएफ जैसे ही निकालने के रहेगा तो ऑप्शन में जहां पर एक रहेगा फट से मार देंगे, आपको 4 ऑप्शन ऐसा से देगा कि 1/2, 2/3, 3/4, 5/6। तो बस जैसे ही देखें 1 तो वही सही होगा, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। अब देखिए 3, 4, 6, 7 का आप निकाल लीजिए क्या एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो देखिए जो चीज भिन्न का पूछेगा उसके अंश में वो चीज होगा, जैसे भिन्न का एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में हर में उसका उल्टा बात हो जाएगा, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्न का एलसीएम अगर पूछे तो अंशों का एलसीएम तो हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, लेकिन नीचे में क्या हो जाएगा, हरों का एचसीएफ। अगर कोई बोल दे कि 2/3, अगर बोल दे आप कोई कि 2/3 और 3/4 का हमको निकाल के बताइए भाई, नहीं समझ में आया, कोई बोल दे तो क्या करेंगे, एचसीएफ पहले हम लिख देते हैं और एलसीएम लिख देते हैं। जैसे देखिए एचसीएफ निकालने के लिए तो अंश का एचसीएफ लिखेंगे, है ना, ये दोनों को हमको बनाना है कि एचसीएफ लिखाना है तो अंश का क्या लिखेंगे, अंश का एचसीएफ बनाएंगे। 2 और 3 का एचसीएफ कितना, 1, चलिए। और हर में क्या करेंगे, हर में करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर कोई एलसीएम पूछ दे कि इन दोनों का एलसीएम बताइए, एलसीएम जैसे पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लिख दिए, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, ठीक है, लेकिन नीचे वाले का क्या, एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ, 3 और 4 का एचसीएफ कितना, 1, यानी कि 6 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिए एकदम बढ़िया से समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा और जो भी नोट्स है बनाइए अपने से। ऐसे चैप्टर खत्म होने के बाद मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बोले 4/5 और 7/6 का क्या बनाइए, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर क्या बोले कि ऊपर वाले का एचसीएफ, जैसे जिस चीज का एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो 4 और 7 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब नीचे वाले का क्या एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 6 और 5 का 30 हो गया। अब इसी का अगर हमको एचसीएफ तो पूछ दिया, अगर एलसीएम पूछता तब एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले अंश में वही काम करेंगे जो पूछ रहा है, भिन्न के लिए पूछ रहा है। भिन्न काम को अगर एलसीएम निकालना है तो अंश ऊपर वाला जो है 4 और 7 का क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, है ना। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब 5 और 6 का क्या हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम तो ऊपर लिख दिया, अब एचसीएफ नीचे ना, नीचे एचसीएफ यानी कि 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो आज का बात समझ में आया आप लोग को, जरूर है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस रखेंगे इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अभी इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो कोई कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा, आपका अपना चैनल बिहारी योद्धा। तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत।